अभी हम आ गए हैं डिनर के लिए एट एब्सोल्यूट बारबेक्यू। सो ये एक्चुअली मेरा वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम ये बना रही हूँ एब्सोल्यूट बारबेक्यू का, और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं तो आई हूँ वीकेंड में, तो वीकेंड में इनका क्या क्या लाइक मेन्यू में क्या क्या आइटम है और क्या क्या, अभी बहुत कुछ चेंज भी हुए हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और यहाँ पर एक डिस्काउंटेड लाइक अर्ली बर्ड का जो प्राइस चल रहा है नॉनवेज के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल में बुफे यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके लिए ट्राई करने आज हम यहाँ आए हैं। तो चलिए चलते। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. So, अभी यहाँ पे प्लेट में जो क्रिस्पी कॉर्न होता है ना वो दिया गया है, साथ में ये सॉरी यहाँ बर्थडे चल रहा है, और ये पोटैटो वेजेस एंड ये जो कैंजून पोटैटो नॉर्मली होता है वो है। चलिए टेस्ट। बर्थडे चल रहा है वहाँ पे, हम आ जाते हैं फूड पे। ये देखिए ये है कैंजून पोटैटो, टेस्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बारबेक्यू में खाते हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू। दोनों का सेम, दोनों चीज़ का ही सेम है, चाहे मैं कॉर्न का बोलूँ या फिर ये कैंजून पोटैटो का बोलूँ। ये एक चीज़ न्यू है यहाँ पे जो कि है पोटैटो वेजेस, सेम है बस ये जो आप देख रहे हैं कैंजून पोटैटो टेस्ट सेम है, बस इसके ऊपर सॉस डाल गई है बस और कुछ। मेरा नाम राम है, जो भी बता दीजिए। तो लाइव ग्रिल ऑप्शन यहाँ पे लगा दिया गया है, और काफ़ी सारे आइटम यहाँ पे ऑलरेडी सर्व कर दिए गए, लाइक चिकन, फिश एंड ये कुछ फ्रूट्स में पाइनएप्पल एंड वेज में पनीर है। अभी और भी सब आता है ना, तो मैं आपको सब कुछ एक साथ ही दिखाती हूँ। और दो आइटम सर्व कर दिए गए हैं, ये है तंदूरी विंग और यहाँ पे सीख कबाब, चिकन सीख कबाब है। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले चिकन सीख कबाब, ये देखिए इसमें कट कर दिया गया है इसको। जो चिकन है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आ रहा है, अच्छे से तंदूर भी किया गया है, स्मोकी फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ रहा है। दो टाइप की चटनी भी सर्व की गई है, ये है ग्रीन चटनी और ये साथ में मेयोनीज भी दिया गया है। तो थोड़ी सी ग्रीन चटनी ले लेते हैं विंग्स के लिए। वैसे पहले मैं ऐसे ही ट्राई करने वाली हूँ। चिकन बहुत ज़्यादा जूसी है, अब बहुत अच्छे तरीके से पका भी है। मैं बताऊँ मसाले की मतलब जो फ्लेवर है ना बहुत बढ़िया से आ रहा है। सो ये जो है ये है चिकन टिक्का, ये है मस्टर्ड फिश। अभी प्रॉन वो रिफिल कर रहे हैं, मतलब अभी मैंने खाया नहीं है, अभी वो आता है तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फिश है, ये ऑलरेडी टूट चुका है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी मतलब ये आप देख ही सकते हैं ऊपर में काले काला जो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मैंने उन्हें बस बोला है कि ज़्यादा ज़्यादा मतलब उन्हें रोस्ट ना करके मुझे लाइट रोस्ट करके देने के लिए, तो उन्होंने बोला ओके। तो आपको ये एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है ना, आपको जैसा चाहिए आपको वैसा वो बना के देंगे। अगर आपको थोड़े कम नमक चाहिए या थोड़े ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, जैसा आपको चाहिए वो आपको एज इट इज़ बना के देंगे। तो बस आपको ये चीज़ उन्हें बोलना, मैंने उन्हें चेंज करने के लिए कहा, बोल दिया। वो स्पाइसी भी थी और ओवर कुक्ड हो गई थी, तो वो दोनों ही वो चेंज करके लाएंगे तो फिर मैं ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे जो चिकन टिक्का दिया गया है ना वो ले लेते हैं, मतलब वो खाते हैं। ये देखिए चिकन टिक्का बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा है, सॉफ्ट है, मतलब जूसी चिकन है। चलिए अब प्रॉन टेस्ट करते हैं। प्रॉन देखिए, आपका साइज देख सकते हैं प्रॉन खाते से। का जो टेस्ट आ रहा है माय गुडनेस, बहुत सही आ रहा है, अच्छे से इसमें पकाया गया। इसमें बोलने के लिए मुझे कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़ी। देखिए बारबेक्यू में हम तो आते ही इसलिए है कि हम थोड़ा वसूल कर पाए, तो वसूलने का जो मेन मतलब जो है वो तो प्रॉन और फिश ही है ना, तो इसे अच्छे से खाना है। और मुझे पता है मतलब मैंने देखा है कि यहाँ पे क्रैब करी भी है, तो अभी वो भी खाएंगे मेन कोर्स से, पहले स्टार्टर कंप्लीट कर लेते हैं। और मैंने ये वापस रिपीट करवाया है, ये है चिकन विंग्स, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था इसलिए मैंने वापस रिपीट किया इसे।
गर्मा गर्म। तो अभी मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे अभी तीन वेज ऑप्शन दिया गया था, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, आपको बहुत सारे वेज ऑप्शन मिल जाएंगे, आपने मेनू में देख ही लिया होगा। आप अगर वेजिटेरियन है तो आप ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेज के साथ वेज भी खाना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। बट मेरा जो फेवरेट है, नॉर्मली मैं हर टाइम लेती हूँ, वो है मेरा पाइन एप्पल, जो कि तंदूरी पाइन एप्पल, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर आपने मेरा बारबेक्यू वाला वीडियो देखा होगा ना तो आपको पता होगा। तो चलिए अभी ये वाली है तंदूरी पाइन एप्पल, इसको टेस्ट करते हैं। खट्टा मीठा बढ़िया। नेक्स्ट वेज ऑप्शन में मैंने लिया था वो है पनीर, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे नॉर्मली पनीर टिक्का होता है, बस वही है। बढ़िया है, ठंडा हो गया है लेकिन टेस्ट अच्छा आ रहा है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं, बट मैं आपके लिए टेस्ट कर रही हूँ। बढ़िया टेस्ट है, वेजिटेरियन के लिए भी बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए अब मैं ये ख़त्म करती हूँ। यहाँ पे लाइव ऑप्शन में भी बहुत कुछ है, तो अभी मैं वहाँ से भी लेके आती हूँ। चाट में भी बहुत कुछ है, चलिए वो लेके आते हैं, आपसे शेयर करते हैं। आपको अलग अलग कुछ चाट काउंटर मिल जाएगा, यहाँ पे पानी पूरी है, पापड़ी चाट है, और यहाँ पे आपको घुगनी भी मिल जाएगी, साथ में आप बैगनी और मिर्ची पकौड़ा, और ये कुछ है, मैं पूछती हूँ क्या है ये, क्या है, चिकन है, लाइव पिज़्ज़ा, और बट मैंने ले लिया है ये पापड़ी चाट। चलिए इसको अब इंजॉय कर, बहुत सारे चाट थे बट मैंने दो ही लेके आया है। मैंने ये एक पापड़ी चाट लिया है और ये पानी पूरी लिया है। तो सबसे पहले पानी पूरी से स्टार्ट करते हैं। ये देखें पानी पूरी का, ये पानी का पूरी और अंदर में आलू है, साथ में ये पानी है, तो इसको इसे डिप करते हैं और ये खाते हैं। बढ़िया है, कोलकाता स्टाइल पुचका, बट हमारा पुचका ये नॉर्मली ये जो पापड़ वाली पुचका होता है ना वो यूज़ करते हैं, बट टेस्ट में बहुत बढ़िया है, पानी भी बहुत। तो चलिए आप खाते हैं पापड़ी चाट, ये देखिए पापड़ी चाट, ये सब जो एक्स्ट्रा आइटम है ना बढ़िया है। मैं अपने लिए एक बेवरेज ऑर्डर किया है, बिकॉज संडे को, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको ड्रिंक मिलता है लेकिन आपको संडे को नहीं मिलेगा। लिया है ये है, नॉर्मली मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया है, पेप्सी लिया है, आप कुछ भी और ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो चलिए उसको ट्राई करते हैं। और वो जो कॉम्प्लीमेंट्री आपको मैं बोल रही ना, वो सिर्फ लंच में, डिनर में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो आप खुद से ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने खुद से ही लिया। ये ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप ले सकते। ये देखिए मैंने यहाँ पे चिकन सूप लिया, आपको चिकन सूप का और वेज सूप दोनों का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं अभी चिकन सूप ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक कम लग रहा है बट मेरे लिए काफ़ी, मेरे लिए ठीक है। एक काउंटर से मैंने ये पिज़्ज़ा लिया था, वेज पिज़्ज़ा है, लाइव ऑप्शन में बहुत कुछ है। ये जैसा कि ये शार्क है, शार्क फिश, मैं ये ट्राई नहीं कर रही बट मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि हर टाइप का प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए आ जाते हैं अपने मेन कोर्स पे। सबसे पहले वेजिटेरियन मेन कोर्स आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल प्लेन राइस मिल जाएगी, दाल फ्राई, साथ में दाल मखनी मिल जाएगी, और साथ ही में आपको यहाँ पे आलू, जीरा आलू, कटहल की सब्ज़ी एंड मलाई कोफ्ता भी मिल जाता है सब्ज़ी में। और आपको चाइनीज़ ऑप्शन में मिल जाएगा यहाँ पर नूडल्स, वेज नूडल्स विथ वेज मंचूरियन, और साथ में यहाँ पर कढ़ाई पनीर भी रखी गई है जो कि अभी रिफ़िल होने वाली है, खाली हो चुका है। और आपको मिल जाएगी वेज बिरयानी, वेज में ऑप्शन आपको बिरयानी भी मिल जाएगी, साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे सैलड्स थे, ग्रीन सैलड, कोल्ड सैलड, और काफ़ी सारे रायता भी रखा गया है, साथ ही में दही बड़ा भी था। तो चलिए अब आ जाते हैं नॉन वेज मेन कोर्स पे, जहाँ पे आपको लाइव ऑप्शन में हंडी मटन विथ मटन दम बिरयानी मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं ना मटन को जो प्रॉपर बंगाली स्टाइल में पकाया जा रहा है, और साथ ही में यहाँ पे मटन दम बिरयानी भी मिल जाता है जो कि गर्मा गर्म आपको सर्व किया जाएगा। और आपको यहाँ पे चिकन लेमन कोरिएंडर सूप भी मिल जाएगा, और आपको वेज ऑप्शन में भी सूप मिल जाएंगे। और तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है बसंती पुलाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरा। और आपको यहाँ पे क्रैब मिल जाता है, क्रैब करी, और साथ में यहाँ पे चिली चिकन है और एग फ्राइड राइस रखा गया है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट है जो हमारा, वो है बटर चिकन एंड रुई फिश करी,
जो कि आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया लग रहा है देखकर। तो मैंने अपना नॉनवेज जो मेन कोर्स है ले लिया है, मैंने आपको सब कुछ दिखाया था, मैंने ले भी लिया है। तो यहाँ देखिए मैंने जो लिया है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिकन फ्राइड राइस विथ चिली चिकन, यहाँ पे मैंने बसंती पुलाव लिया है जो कि मैं इसके साथ कंबाइन करने वाली हूँ, जो कि है मटन कोशा, जिसके साथ बसंती पुलाव का जो कॉम्बिनेशन है मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है, तो वो भी अभी हम खाएंगे। साथ में यहाँ पे क्रैब भी है, तो मैंने क्रैब करी लिया हुआ है, और यहाँ पे रुई माछ मतलब जो फिश है वो भी है, साथ में बटर चिकन भी लिया हुआ है। और जो मेन चीज़ है वो है हमारी सबकी पसंद बिरयानी, जो कि है ये मटन बिरयानी, ये देखिए ये भी मैंने लिया हुआ है। तो ये देखिए, तो चलिए सबसे पहले हमारा ये वाली मेन कोर्स से स्टार्ट करते हैं, फिर बिरयानी की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चाइनीज से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे चिकन चिली विथ चिकन फ्राइड राइस है, तो इसको टेस्ट करते हैं। बढ़िया है, आप आएंगे ना तो ये टेस्ट कर सकते हैं। चिली चिकन ट्राई करती हूँ मैं। तो अब मैं ये वाली ट्राई करती हूँ जो कि है बटर चिकन, बोन है तो मैं इसलिए टूट नहीं रहा है, टूट गया है देख सकते हैं आप, इसकी सॉफ्टनेस पता चली रही है, तो इसको ट्राई करते हैं। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फ़िश भी हैं यहाँ पे, बट मैं फ़िश लवर उतनी कुछ खास नहीं हूँ, बट मुझे आपको दिखाना था तो मैंने ले लिया है। इसके साथ प्लेन राइस बहुत बढ़िया जाएगा, अदरवाइज आप बसंती पुलाव के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करते हैं ये, क्रैब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एक्चुअली मैं बताऊँ, क्रैब खाने के लिए रेस्टोरेंट प्रेफरेबल नहीं होता है, बट मुझे क्रैब देख के रहा नहीं गया, मैं और इससे ज़्यादा वीडियो में नहीं खा सकती। आप आओ तो आराम से खाओ, बहुत टेस्टी है क्रैब भी। ऐसे ना नॉर्मल क्रैब जब दूसरे में मैंने खाया था मुझे उतना पसंद नहीं आया था, बट यहाँ का मैं बोल सकती हूँ मुझे पसंद आया है। तो चलिए अब बसंती पुलाव के साथ मटन कोशा ट्राई करते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा ग्रेवी ले लेती हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों में से किसे किसे बसंती पुलाव के साथ मटन कोशा का जो ये कॉम्बिनेशन है बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, कमेंट में जल्दी बताइए। मटन के साथ ये जो मीठा मीठा बसंती पुलाव है, ट्रूली लव। तो बसंती पुलाव कोशा मांसू के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि है बिरयानी, क्योंकि नॉर्मल हर बुफे का बिरयानी उतना कुछ खास नहीं होता है। तो चलिए अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, पता चलता है कि यहाँ का भी बिरयानी वैसे ही है या खा सकते हैं, टेस्टी है। चलिए तो ये देखिए बिरयानी ले लिया है मैंने। ऐसे तो चावल देख के तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, वैसे मैं बता दूँ ये कोलकाता स्टाइल मटन बिरयानी है, और आपको इलायची वगैरह दिख ही रहे होंगे, मटन के पीसेस भी है, आपको आलू भी दिए जाते हैं क्योंकि ये कोलकाता स्टाइल है, बट मैंने नहीं लिया है, आप चाहो तो ले सकते हैं। चलिए अब ट्राई करते हैं। मैं बिरयानी हाथ से खा रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से ही पसंद आता है। मुझे बारबेक्यू का बिरयानी कोई भी भूखेगा पसंद नहीं आता था, बट हाँ 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 ओके थैंक यू। है ना मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पूरा हार्ड पीस तो नहीं है बिल्कुल भी, और ये जो बिरयानी है ना काफ़ी मसालेदार बिरयानी है, और कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है कि आप नहीं खा पाओगे, पूरा कोलकाता स्टाइल बिरयानी लग रहा है। मुझे यहाँ की बिरयानी मुझे बहुत पसंद आई, सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं खाने वाली हूँ बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने लेट कर दिया, उन्होंने लेट कर दिया, मैंने वीडियो बना लिया तब उन्होंने ये क्रैब कटर दिया है, जो कि ये क्रैब इसे तोड़ना है, तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ कट करने की। कट नहीं हो रही है? हाँ हो रही है, हो रही है, हाँ हो गई हो गई हो गई। ये देखें, मैंने
तो मैंने अपना बिरयानी अभी मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको डायरेक्ट डेजर्ट और जो आइसक्रीम सेक्शन है ना वहाँ पे मिलते हो। वैसे तो मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, मैं आपको बता दूँ, जो ओवरऑल जो डिनर मतलब सॉरी मेन कोर्स जो था मुझे सारा ही पसंद है। नॉन वेज का मैंने वेज आपको सारा कुछ दिखा दिया, बट मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा, इसके लिए मैंने दिया नहीं। काफ़ी श्योर हो रहा है बिकॉज बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इससे जल्दी जल्दी मैं अपना खाना फिनिश करती हूँ, फिर आपको डेजर्ट मिलती हूँ। तो चलिए आ जाते हैं अपने डेजर्ट काउंटर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन थे डेजर्ट में। सबसे पहले ये देखिए जलेबी थी, गर्मा गर्म जलेबी यहाँ पे है। साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन थे केक पे, ये नट ब्राउनी थी, ये ऑरेंज केक था, और ये जो बगल में है ये है फ्रूट केक, जो कि आप देख ही सकते हैं ना कितना छोटा छोटा पीस है। और नेक्स्ट है ये फ्रूट कस्टर्ड, और साथ ही में यहाँ पर रखी गई है गुलाब जामुन चीज़ केक, जो कि मुझे थोड़ा यूनिक लगा। चलिए टेस्ट करेंगे तो बताएंगे कैसा है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे चॉकलेट पेस्ट्री, और साथ ही में यहाँ पे रखी गई है स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री, और जो ये आप नीचे देख रहे हैं ना ये है सैफ्रन फिरनी, केसरी फिरनी जिसे बताते हैं, और ये है शीर कूरमा, और साथ में नीचे बहुत सारे फ्रूट्स रखे जाते हैं बट अभी फेल होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है लाइव आइसक्रीम, जो कि बहुत ही बढ़िया लगा मुझे एवीक्यू का। आपके यहाँ पे अभी ओके मेरा आप बना दीजिए चिली वाली, हाँ थोड़ा यूनिक है ये, तो ये वाली ट्राई करते हैं। यहाँ पे इन्होंने वनीला आइसक्रीम लिया है, ये क्या है चिली का वाला, चिली का सॉस, ओके चिली सॉस विद आइसक्रीम। और ये चिली फ्लेवर है, चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यही तो फ़ायदा है ना बारबेक्यू में, आपको मीठे में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डेजर्ट में देख सकते हैं मैंने सारा कुछ ले लिया है जो भी यहाँ पे अवेलेबल था, अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ फिर टेस्ट भी करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे है ब्राउनी, ये है फ्रूट केक, ये है ऑरेंज केक, जैसे स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, एंड ये है गुलाब जामुन चीज़ केक, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है बट देखते हैं टेस्ट कैसा है। यहाँ पर आपको जलेबी मिल जाएगा, शाही कुरमा, और ये फिरनी है, साथ में ये पुडिंग दिया गया है, ये लाइव आइसक्रीम से मैंने लिया है पान आइसक्रीम, एंड ये दिस इज चिली कुछ स्पेशल है यहाँ का, और यहाँ पे अंगूरी गुलाब जामुन और मालपुआ है। तो चलिए आप एक एक करके सबको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये ब्राउनी से, बढ़िया। नेक्स्ट जो है ये है फ्रूट केक, केक जो है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब हार्डनेस नहीं है बिल्कुल भी। ये जो है ये है ऑरेंज केक, मुझे कुछ हद तक ये कैरेट केक की तरह लग रहा है, पता नहीं ये ऑरेंज में भी होगा। यहाँ पर दो टाइप की पेस्ट्री है, फर्स्ट वन इज चॉकलेट केक, बढ़िया। अब टेस्ट करते हैं ये स्ट्रॉबेरी वाली को, स्ट्रॉबेरी वाली ज़्यादा टेस्टी है। चलिए अब यहाँ पे ये खाते हैं अंगूरी गुलाब जामुन, गुलाब जामुन थोड़ा हार्ड लग रहा है, अदरवाइज ठीक है। ये है शाही कुरमा, सॉरी शीर कुरमा, बढ़िया है। ये है फिरनी, तो मैं ये जो जलेबी है ना उसको फिरनी के साथ ट्राई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रबड़ी तो है नहीं, तो फिरनी के साथ ट्राई करती हूँ। बड़ा बढ़िया लग रहा है। अब ये पुडिंग ट्राई करते हैं, बहुत टेस्टी है, पान फ्लेवर, पान का फ्लेवर आ रहा है फुल ऑन, वनीला आइसक्रीम के ऊपर पान का वो जो सॉप और जो भी होता है ना वो सब डाल के लाइव आइसक्रीम में बनाया गया, जो कि रोल एकदम मेल्ट हो गई है धीरे धीरे। तो चलिए ये बढ़िया है। अब ये जो इन्होंने स्पेशली वो चटनी ग्रीन सॉरी रेड सॉस के साथ जो बनाया है उसको ट्राई करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बिकॉज इसमें चिली का जो उन्होंने सॉस डाला है ना, मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। जैसे स्पाइसी पसंद है ना, मीठा और स्पाइसी और ठंडा, वो कॉम्बिनेशन में आप ये ट्राई कर सकते हो, मस्ट ट्राई है।
बट हाँ आफ्टर टेस्ट आपको धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी, फर्स्ट बाइट पे आपको झाल लगेगा। तो ओवरऑल का जो मेरा डेजर्ट का जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत बढ़िया था। मैं आपको बता दूँ, स्टार्टर हो, मेन कोर्स हो या फिर हो जाए इनका जो डेजर्ट ऑप्शन, सब कुछ में काफ़ी ऑप्शंस थे और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी बढ़िया था। और एम्बियंस की तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें बहुत अच्छा मतलब बोलूँगी क्योंकि मुझे आज का स्टाफ बिहेवियर और एवरीथिंग बहुत पसंद आया। तो चलिए आपको फिनिश करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या चार्जेस पड़ा मुझे, क्या डिस्काउंट हुआ, कैसे आप भी इसे रिडीम कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम साइन अप करते हैं ना तो आपको 150 का कूपन मिल जाता है और आपको मिनिमम दो लोगों के लिए वो बुक करवाने होंगे और उसमें से आपको 150 फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा। वो भी आपको कहीं पर भी बोलने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आउटलेट पे आके उन्हें बस ये कूपन दिखाना है आपको और समसंग आपका ये 50 रुपीज़ मतलब 150 रुपीज़ डिस्काउंट देगा। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डील था मेरे लिए, आप भी आके ये वाली डील एक्सेप्ट कर सकते और इन्जॉय कर सकते हैं। और गाइस अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फूडी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।